इन दिस वीडियो यू विल स्टडी अबाउट मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस यू नो दैट फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ अ डिसीज अर्ली डायग्नोसिस एंड अंडरस्टैंडिंग इट्स पैथोफिजियोलॉजी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट अगर आप किसी भी डिसीज़ का इफेक्टिव ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो उसे बहुत पहले आपको डायग्नोज कर लेना चाहिए और उस डिसीज़ के जो इफेक्ट्स होंगे आपकी बॉडी पर आपके फंक्शंस पर फिजियोलॉजी पर और जो उसका इम्पैक्ट होगा उसको अगर आप समझ लेंगे अंडरस्टैंड कर लेंगे तो ये इम्पॉर्टेंट होगा जो कन्वेंशनल मेथड्स हैं डायग्नोसिस के वो क्या हैं वो सीरम एनालिसिस है या यूरिन एनालिसिस है जो आप यूजुअली करवाते हैं बट इन मेथड्स में अर्ली डिटेक्शन पॉसिबल नहीं है रिकॉम्बिन टेक्नोलॉजी से पी से एलाइजा से आप अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हैं हम सब जानते हैं कि जो पैथोजिन होते हैं जैसे बैक्टीरिया है वायरस है इनको जब आप सस्पेक्ट करते हो यानी आप सोचते हो कि आपकी बॉडी के अंदर कोई पैथोजिन है या कोई वायरस है तो ये आप तभी सोचते हो जब आपको कोई ना कोई सिम्टम आ चुका होता है कोई भी डिसीज सिम्टम दिखाई देने पर हम उसकी जांच कराते हैं तो इस समय तक तो काफी देर हो गई होती है क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर वो पहले से काफी मल्टीप्लाई कर चुका होता है बाय दिस टाइम द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पैथोजिन इज ऑलरेडी वेरी हाई इन द बॉडी सो अगर आपको पता लगाना है कि आपकी बॉडी के अंदर कोई वायरस या बैक्टीरिया लो कंसनट्रेशन में है या नहीं क्योंकि लो कंसनट्रेशन के अंदर वो अभी आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहा है तो अगर आप लो कंसंट्रेशन में ही उसको पहचान लो उस बैक्टीरिया या वायरस को और आपके अंदर कोई सिम्टम्स नहीं आए हैं तो अच्छी बात है आप उसका ट्रीटमेंट बहुत जल्दी कर सकते हो सो वेरी लो कंसनट्रेशन ऑफ अ बैक्टीरिया और वायरस एट ए टाइम वेन द सिमटम्स ऑफ द डिस आर नॉट या विजिबल कैन बी डिटेक्टेड बाई एम्प्लीफिकेशन ऑफ दर न्यूक्लिक एसिड बाई पी पी सी आर तो आप सब जानते ही हो कि पी सी आर का यूज़ करके हम किसी भी न्यूक्लिक एसिड को एम्प्लीफाई कर सकते हैं और ऐसा करने से हम किसी भी बैक्टीरिया या वायरस के काफ़ी कम कंसेंट्रेशन को भी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं और हमें कोई सिम्टम्स भी नहीं आए होते हैं तो डिसीज़ का ट्रीटमेंट काफ़ी जल्दी से शुरू हो सकता है तो आप सबको तो पता ही है कि पी कैसे काम करता है हमने पिछले वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया हुआ है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं तो इसीलिए पीसीआर पी को आजकल कल एच का प्रेजेंस जानने के लिए यूज़ किया जाता है तो जिन पेशेंट्स में ये शक होता है जैसे एड्स के पेशेंट्स हैं अगर डॉक्टर को शक है या सस्पेक्शन सस्पेक्ट समझ रहा है वो किसी को एड्स का तो वो एच का टेस्ट लगवा सकता है और पी का इसमें इस्तेमाल किया जाता है इट इज बींग यूज टू डिटेक्ट म्यूटेशन सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट टू यानी पी सी आर का इस्तेमाल कैंसर पेशेंट्स में म्यूटेश को ढूंढने के लिए भी किया जाता है इट इज़ अ पावरफुल टेक्निक टू आइडेंटिफाई मैनी अदर जेनेटिक डिसऑर्डर्स सिंगल स्टैंडर्ड डी एन ए और आर एन ए टैगड विथ रेडियो एक्टिव मोलिक्यूल इज नोन एज प्रोब एंड आप क्या करते हैं की एक प्रोब बना लेते हैं जिसमें रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल टैग्ड होता है और फिर आप उसे कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के साथ बाइंड होने के लिए अलाउ करते हैं छोड़ देते हैं इन ए क्लोन ऑफ सेल्स एंड देन यू डू रेडियो ऑटो रेडियोग्राफी तो जब आप कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को किसी रेडियो एक्टिव प्रोब से यानी सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए से विच इज रेडियक्टिव उसके साथ हाइब्रिडाइज होने के लिए छोड़ देंगे तो वो तभी हाइब्रिडाइज होगा जब वो ठीक पूरी तरीके से उसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा अगर कहीं भी म्यूटेशन है तो प्रोब विल नॉट बाइंड विथ डीएनए सिंगल स्टैंड सिंगल स्टैंड के साथ वो रेडियक्टिव प्रोब बाइंड नहीं करेगा बिकॉज जो सिंगल स्टैंड डी है उसमें जो बेस सीक्वेंस है वो म्यूटेशन के कारण चेंज हो गया होगा इसीलिए जो आप रेडियो एक्टिव प्रोब इस्तेमाल कर रहे हो इट विल नॉट बाइंड टू द सिंगल स्टैंड डी एन एंड दिस विल गिव यू एन इंडिकेशन ऑफ म्यूटेशन ऑटो रेडियोग्राफी हमने पिछले चैप्टर के वीडियो में पढ़ी है और ऑटो रेडियोग्राफी से हम जान लेते हैं किसी एक्सरे शीट पर बैंड्स आ जाते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ रेडियोक्टिविटी और हम उन बैंड्स की स्टडी करके जान लेते हैं कि रेडियक्टिव प्रोब ने बाइंडिंग की है या नहीं की है एलाइजा टेस्ट जो है वे काफी फेमस है और ये किस बेसिस पर काम करता है ये एंटीजन एंटीबॉडी इंटरक्शन के बेसिस पे काम करता है तो किसी भी पैथोजन का जो इन्फेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है बॉडी में इसको डिटेक्ट किया जा सकता है एलाइजा के माध्यम से तो आप क्या प्रेजेंस देख सकते हो आप एंटीजन का प्रेजेंस जांच सकते हो एलाइज़ा से या आप एंटीबॉडी का प्रेजेंस जांच सकते हो एलाइजा के हेल्प से एलाइजा के बारे में थोड़ा सा मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कशन कर लेता हूँ जैसे हमारे पास एलाइज़ा में दो तरीके हो सकते हैं इससे एक तरीका यह है कि हमारे पास एक सैंपल जो है वो प्रेजेंट है हमें इस सैंपल पे टेस्टिंग करनी है इस सैंपल में सपोज हम एंटीजेंस को डिटेक्ट कर रहे हैं अंडरस्टैंड तो हम क्या करेंगे एंटीबॉडी कोटेड वेल्स का यूज करेंगे तो ये वेल है हमारे पास इस वेल के अंदर एंटीबॉडीज कोटेड है पहले से ये एंटीबॉडी किसके कॉम्प्लीमेंट्री हैं? एंटीजन के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। वो एंटीजन जो कि एलाइजा में आप डिटेक्ट कर रहे हो अंडरस्टैंड तो जब आप इस एंटी कोटेडी एंटीबॉडी कोटेड वेल में एंटीजन डालोगे तो एंटीजन बाइंड कर जाएगा एंटीबॉडी के साथ ठीक है ना तो देखो सपोज मैंने इसके अंदर एंटीजन डाला यानी सैंपल डाला और सैंपल का जो एंटीजन था वो एंटीबॉडी के साथ बाइंड हो गया आफ्टर दिस आई विड एंटीबॉडी अगेन विच इज बाइंड विद द एंजाइम तो उसके बाद में इसमें फिर से एंटीबॉडीज डालूंगा और वह एंटीबॉडीज जो है एंजाइम से बाइंड है यहां पर एंजाइम बाइंड है ऐसे ही यहां दूसरा एंटीबॉडी आ गया जो कि एंटीजन के साथ कनेक्ट हो गया और उसके साथ जुड़ा हुआ है एक एंजाइम देन आई विल एड इेक्ट विच विल प्रोड्यूस कलर रिएक्शन विद द एंजाइम, फिर आप ऐड करेंगे सबस्ट्रेट और ये सबस्ट्रेट जो होगा इस एंजाइम के साथ जैसे ये एंजाइम लगा हुआ है इस एंजाइम के साथ रिएक्शन करेगा और कलर रिएक्शन देगा और उस कलर रिएक्शन की इंटेंसिटी को मेजर करके हम ये जान लेंगे कि कितने एंटीजिन्स प्रेजेंट थे हमारे सैम्पल में बिकॉज अगर सैम्पल में एंटीजिन्स थे तो कलर इंटेंसिटी हाई आएगी और अगर सैम्पल में एंटीजन नहीं था तो कलर इंटेंसिटी नहीं आएगी तो ये हो गया एलेक्ज़ा का एक मेथड। दूसरे मेथड में क्या हो सकता है कि हम ऐसे वेल्स का यूज़ कर सकते हैं जिसमें एंटीजन बाइंड है पहले से जिस एंटीजन का हम टेस्ट कर रहे हैं उस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज अगर हमारे ब्लड में हैं तो इन एंटीबॉडीज़ को हम टेस्ट कर सकते हैं हम क्या करेंगे हम सैंपल इसके अंदर पोर करेंगे और सैंपल में अगर एंटीबॉडीज प्रेजेंट हैं तो दीज एंटीबॉडीज विल बाइंड टू द एंटीजन आफ्टर दिस वी विल एड सेकेंडरी एंटीबॉडीज विच आर बाइंड विथ एनजाइम तो सेकेंडरी एंटीबॉडीज आर अगेंस्ट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू द एंटीबॉडीज तो सेकेंडरी एंटीबॉडी हम इसके बाद ऐड करेंगे नाउ वी हैव एडिड सेकेंडरी एंटीबॉडी

जिससे हमको पता चल जाएगा कि हमारे बॉडी के अंदर इन्फेक्शन कितना है तो जो एलेजा टेस्ट होता है इट इज डिपेंडेंट बेसिकली ऑन द एंटीजन एंटीबॉडी ये भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया आपके साथ